पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कल का दिन बेहद खास है बिहार के राजनीति के लिए, लेकिन अभी रात के समय में, यही रात अंतिम, यही रात भारी, ये तमाम सोशल मीडिया पर बयान इस वक्त चल रहे हैं। राजनीति घराने में पल पल अपडेट नए आ रहे हैं, पल पल जो परिस्थितियां हैं वो बदल रही हैं। जदयू के सभी विधायकों को पटना के चाणक्य होटल में रखा गया है, और जो चर्चाएं चल रही थी कि कई विधायक वहां से गायब हैं, 5 ऐसे विधायक हैं जिनका नाम लिया जा रहा था कि ये सभी विधायक गायब हैं, नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आखिरकार जदयू के वो विधायक गायब कहाँ हैं। तमाम विषयों पर जब हमने चाणक्य होटल पहुंचकर बातचीत की है वहां पर जदयू के तमाम कार्यकर्ताओं से, तो सुनिए परिस्थितियां क्या कुछ बदली है वहां की, क्या वाकई में सभी विधायक पहुंच चुके हैं या फिर कुछ गायब भी हैं। हमारे संपादक भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ परिस्थितियां वहां की बदल रही हैं, क्या होने वाला है। चलिए बातचीत करते हैं। का सीजन है, शादी ब्याह है, संजीव जी की भतीजी की शादी है गोवा में, कितने लोग जानते हैं, लोग कह रहे हैं पटना में आ गए अभी सरसा, और एक यादव विधायक है वो भी गायब है, पटना में है, सब पटना में है, पटना में है। कल दोपहर में मिल के गए विजेंद्र बाबू से, जिनकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं वो सब मिल के गए, सब कुछ निजी कारण लगन है। एक आदमी का जो है परिवार अभी एम्स में भर्ती है। अच्छा, तो लोग अपने निजी कारणों से सब लोग पटना में इंटैक्ट है। तो कल मतलब क्या होगा, 135 प्लस। तो ये आखिरकार अचानक से ये मूवमेंट क्यों बन गया कि गायब हैं, मिसिंग हैं, राजद के लोग कह रहे हैं खेला हमने कर दिया है, अब तो पता चलेगा। तो कल बंधक क्या रखे हैं, खेला तो बंधक कौन रखा, हम लोग रखे हैं जी। अरे बंधक जिसने रखा है उसने खेला उसके साथ हो गया, और तेजस्वी यादव अपने पार्टी बचाने में लगे हुए, और कल के बाद उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ क्रॉस हो जाएगी, आरजेडी पार्टी कल के बाद समाप्त हो जाएगा। उधर से भी कुछ लोग संपर्क में हैं आप लोग। अच्छा, एक बात बताइए, जिसके पॉकेट में कुछ नहीं है उसके यहाँ को क्यों जाना चाहेगा। अरे हमारे यहाँ आएंगे तो हम तो 10 तरह का चीज दे सकते हैं, केंद्र में मंत्री बना सकते हैं, बहुत जगह भेज सकते हैं, वो कहाँ भेज देगा किसी को, फालतू का सोच है, कौन जाना चाहेगा। लोकसभा, कई लोग कह रहे हैं कि जदयू के लोग लोकसभा लड़ना चाहते थे लेकिन मौका नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार जी, वजह से। अरे भाई, जदयू के 16 सीट है, आरजेडी के 0 सीट है, 0 सीट में कौन जाना चाहेगा। जदयू का अभी 16 लोकसभा सदस्य हैं जी, और उसका 0 में कौन जाना चाहेगा। अगर मौका किसी को मिलना होगा तो यही मिलेगा ना, 0 में तो नहीं मिलेगा। इस बार तो लगता है कि मतलब आरजेडी के लोग भी ले लेंगे, मौका पा लेंगे। सर्वे आया है बिहार में, जो सर्वे नहीं काम करेगा, 40 में 40 एनडीए, 40 में 40 एनडीए, सब सर्वे फेल हो जाएगा। नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ खड़ी। अच्छा, राज्यसभा के टिकट को लेकर के आज देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जदयू के लोगों का क्या होगा। दल यू भी उतार देगी, इसमें क्या रखा हुआ, हमारे पार्टी में कुछ तो है नहीं, हमारे नेता सबके नीतीश कुमार हैं, जो निर्णय लेंगे सब उसके साथ रहेंगे, क्या कुछ। चलिए, तो देखिए सभी विधायक पहुंच चुके हैं चाणक्य होटल में, और जो नहीं पहुंचे हैं सुबह सुबह तक पहुंच जाएंगे, लेकिन चहलकदमी देखिए किस तरीके से चाणक्य होटल में बनी हुई है। कई विधायक के जो सहयोगी हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो भी पहुँच रहे हैं। तो कल का दिन बेहद खास है बिहार के राजनीति के लिए। इधर तेजस्वी यादव के आवास पर पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। कहा जा रहा है कि विधायकों को किडनैप किया गया। चेतन आनंद के भाई अंशुमान ने जिस तरीके से FIR दर्ज कराया है, चर्चाएं काफी तेज हैं। सर, जदयू के सदस्य को आपके सामने लेकर आया हूं जी, ये भी वो स्थिति बताएंगे, अंदर से आ रहे हैं। हाँ, कितने लोग हैं, क्या स्थिति है इस वक्त का, एग्जैक्ट जो स्कोर है वो बताएंगे। देखिए, हम लोग के सभी लोग एकजुट हैं, और कल देख लीजिएगा, कल हम लोग 150 प्लस पर रहेंगे। अच्छा। और RJD और कांग्रेस में टूट हो चुकी है, और कोई स्वेच्छा से आएगा तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। क्रॉस वोटिंग का इंतजाम कर रहे हैं ये। अच्छा। ये अब तक 130-132 तक बात जा रही थी, 150 कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं आप लोग क्या। बिल्कुल, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है और NDA की सरकार है, और माननीय मुख्यमंत्री जी वोट लिए हैं, और कल विश्वास मत भी प्राप्त करेंगे, और बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। कितने विधायक आपके एयरप्लेन मोड में हैं अभी। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, समय पर खुलासा होता है तो अच्छा लगता है, कुछ सस्पेंस रहने दीजिए, हम लोग ठीक हैं। जो लोग डर रहे हैं वो अपने घर में कारागृह बनाकर और दिखा रहे हैं गिटार बजाकर, तो सब होने वाला नहीं है, मोह भंग हो चुका है। अब दिल के दरवाजे पर कोई
ताला नहीं मार सकता है, दिल का दरवाजा खुल गया है। उन लोगों को आप छेड़ रहे हैं, वो लोग सताए हुए हैं, गाना गा रहे थे वो लोग। करने दीजिए, सताए हुए क्या हैं, वो लोग आए थे अपने स्वार्थ के लिए आए थे, बिहार की जनता के लिए थोड़े आए थे, और गढ़ी कमाई करने लगे थे। माननीय नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर मौका दिया था, लेकिन उस मौका को तेजस्वी प्रसाद यादव जी साबित कर दिए कि हम लोग केवल करप्शन से ही संलिप्त हैं और आगे भी वही संरक्षण देने का काम करते हैं। बाकी तो आप जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी सब चीज़ों से दूरों दूर तक नाता नहीं रखते हैं। और देखिए, जो होना था हो गया, और NDA हम लोग का नेचुरल एलायंस से, और कार्यकर्ता और आमजन सभी लोग बहुत खुश हैं, बहुत कम समय में मिल घुल गए। कहा जा रहा था नीतीश कुमार बड़े टेंशन में आ गए हैं, जब विजय चौधरी के यहाँ कई विधायक नहीं पहुँचे तो काफ़ी चिंता में थे, उनको रुकना कम देर के लिए था, लेकिन वो एक डेढ़ घंटा तक इंतजार करते ही रह गए थे विधायकों का। बीमा भारती गायब, संजीव गायब, कई विधायक गायब थे, रडार से बाहर थे, नज़र आ रहे थे। तो कैसे ये कहा जा सकता है, कैसे मतलब विश्वास किया जाए कि सब कुछ सेट है, चाणक्य में सब लोग आज के बैठ चुके हैं? आप बताइए, ये कोई ज़रूरी है क्या कि भोज खाकर ही जाकर विश्वास में वोटिंग करेंगे? ऐसा कुछ नियम कानून है क्या? सभी लोग संपर्क में, कुछ लोग बाहर थे आ भी गए, सब कुछ ठीक है। बीमा भारती से संपर्क, सब लोग संपर्क में हैं, कोई बाहर नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, समय आएगा आप देखिएगा। सब लोग बहुत एकदम है, इन्हें छोड़ दिया जाए। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, जो आप जानना चाह रहे हैं रत्नेश जी, और जो बात आप कह रहे हैं कि इतना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, तो मैंने तो आपसे क्या कहा था कि जितने लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनकी गारंटी तेजस्वी यादव ले लेंगे, उनमें से एक व्यक्ति तो आपके कैमरे पर ही पलट गए। आपने देखा जो गाना लिखा था, छेड़ो हमें हम सताए ना, छेड़ो हमें हम सताए हुए, सताए हुए तो है ना, उनके तो भाई कह रहे हैं कि किडनैप हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, काफी दिन से उनको खोजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। मतलब जब किसी विधायक के, राजद के परिवार के सदस्य यही कह रहे हैं कि भाई 48 घंटे 24 घंटे से मेरा भाई नहीं मिल रहा है, जबकि वो तेजस्वी यादव के आवास में बैठे हुए और गाना गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या है? छेड़े हुए हुए हैं और सताए हुए भी हैं, वो खुद बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर कल एक बड़ा खेल होने वाला है, जो खेल तेजस्वी यादव बार बार कह रहे थे, उस खेल का एक हिस्सा यहाँ पे है। दूसरा हिस्सा जो हम दिखाने चलेंगे थोड़ी देर में, राजद कार्यालय और राजद तेजस्वी यादव के आवास पर क्या खेल चल रहा है, आखिर सारा बिहार का, पटना का पुलिस वहाँ क्यों पहुँच गया है, क्या जानने की कोशिश की जा रही है, कोई कह रहा है ED आया है, कोई कह रहा है CBI आया है, तो निश्चित तौर पर इन सवालों का जवाब भी देंगे। लेकिन यहाँ फिलहाल चाणक्य में जो खेल चल रहा है उसका स्कोर आपको ने सुन लिया 150 प्लस कहा जा रहा है। जी जी, अब तक तो हम 132 130 सुन रहे थे, लेकिन अब 150 पार हो चुका है, क्या सुबह होते होते ये आंकड़ा और पार हो जाएगा क्या, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। फिलहाल के लिए अभी इतना, हमारे संपादक भी आपको ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।